अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो आप सब लोग नहीं आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:15 और अभी हम लोग फ़ौरन एक जगह जा रहे हैं। वहाँ आप लोग भी साथ चलिएगा मेरे साथ, तो पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो हम अभी जा रहे हैं, ये हमें जाना था सुबह फजर के वक्त, लेकिन फजर के वक्त काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाना था और स्कूल भी खुले हुए हैं। और मज़े की बात है कि हसन अब्बास का स्कूल कल भी खुला हुआ है, यानी सैटरडे को भी ऑन है। आई डोंट नो, इतनी गर्मियां हैं और फिर भी स्कूल ऑन है, इसका कोई रीज़न मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। खैर एनीवे, तो अभी हम जा रहे हैं नादरा ऑफिस। वहाँ हमें बच्चों के जो है वो लाइसेंस बनवाने हैं, क्योंकि कहते ये हैं कि आजकल बच्चों के, यानी अब बिलो 18 जो हैं उनके भी आपको जो है वो लाइसेंस बनाते हैं और उसको एक नाम होता है और वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बाद बता दूँगी नाम क्या है। खैर वो अभी हम जा रहे हैं बनाने के लिए, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह बच्चों का स्कूल है। और साथ ही साथ मुझे एक और आपसे चीज़ बात करनी थी, समझ के आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दिए हैं और मैं चाहती हूँ साथ ही साथ जो है आवर्स भी कंप्लीट हो जाए मेरे, क्योंकि मेरे अभी वॉच आवर्स कम है। मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द मेरे वॉच आवर्स भी हो जाएँ और फिर हमारा चैनल मोनेटाइज्ड हो जाए। सो दुआ यही है कि आप सब मेरा साथ दें और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करवाएं। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपको हर दिन अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, मज़ेदार वीडियोस लेकर आऊँ, मज़ेदार खाने लेकर आऊँ और मज़ेदार इंटरटेनमेंट लेकर आऊँ। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। तो आप तैयार हो गए जाने के लिए? बिल्कुल। क्योंकि आपके क्या बन रहे हैं आज? आईडी कार्ड्स बन रहे हैं हसन अब्बास के। आईडी कार्ड्स बन रहे हैं हसन अब्बास के आज है। क्या बन रहे हैं हसन अब्बास के आज? आईडी कार्ड्स। और आज बिरयानी की जगह पिज़्ज़ा खिलवा रहे हैं। आज आप पिज़्ज़ा खिलवा रहे हैं? हैं? सच में पिज़्ज़ा खिलवा रहे हैं आज आप मुझे? सबको। सबको? वाह। तो मैं हो गई हूँ तैयार, हसन भी हो गए हैं तैयार और अब्बास पढ़ रहे हैं नमाज। नमाज पढ़ के आएंगे और हम लोग चल पड़ेंगे। और मेरा ये जो इतनी बुरी चीज़ निकली है, पता नहीं इतना बुरा लग रहा है, लेकिन ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब भी इस किस्म के पिंपल्स निकलते हैं मेरे, वैसे तो बहुत कम निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते, लेकिन कभी भी निकलते हैं तो मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ। छेड़ना यानी आप अपने नाखूनों से खुरच लें या कुछ इस तरह कर लें तो वो आपका स्पॉट रह जाता है। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ और कुछ नहीं करती तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ग्रे कलर का आपका भी निकला है? नहीं, कहाँ निकला है? बुला कर रहा हूँ, लगी है ना। ये देखिए तैयार है। यू रेडी? नमाज भी पढ़ ली। नमाज भी पढ़ ली आपने? हसन आपने पढ़ी? अभी मैंने मगरिब पढ़ ली है। वेरी गुड। क्या हुआ? हाँ देखिए, हाँ जा रहे छोड़। चलो अंदर जाओ, आज मम्मा भी पीछे बैठेगी। चलो मुझे इकबाल चाचा के साथ जाएंगे हम। इकबाल चाचा के साथ होश हो गया था ये स्कूल करवा। आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों को स्कूल जाना है? हाँ, लेकिन देखें हन्नू की क्लास का एक बच्चा बेहोश हो गया था गर्मी की वजह से। अच्छा। स्कूल को बंद करवाने की वजह सैटरडे को भी ऑन रख रहे हैं और बकायदा गेम्स पीरियड भी करवा रहे हैं। तड़ती भी धूप में भाग रहे हैं, भगवा रहे हैं बच्चों को। मामा सही में बेटा, आप क्या कर सकते हैं, स्कूल तो स्कूल है ना, हमारे हर जगह स्पोर्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, बेहोश होते हैं तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो आप लोग कल स्कूल जाएंगे क्योंकि आज आप लोगों की ऑफ हो गई है और अभी घर जाके आप काम भी करेंगे क्योंकि मैंने आपका एब्सेंट वर्क भी कंप्लीट मंगवा लिया है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है अपना काम Thank you.
सो रहे हैं और एक यहाँ सो रहे हैं। इसी वजह से कह रही थी कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन नहीं सोए हैं। क्यों नहीं सोए तुम दिन में? दिन में क्यों नहीं सोए? येलो बल्ब है उस जगह। ये रहा नादरा, पहुंच गए हम नादरा ऑफिस। ये तो चलो उतरे उतरे। ओके फाइन, वी आर वेटिंग फॉर बाबा एंड हुसैन साहब, और बाबा का हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ आकर एक ज़बरदस्त स्टोरी हुई है जो कि मैं आपको बाद में घर जाकर शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मैं, अब्बास और हसन वेट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी हुई है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अभी मैं बताऊँगा? नहीं नहीं अभी नहीं बताया। क्या हुआ? अच्छा बताइए क्या हुआ। ये बड़े बच्चे यहाँ घर बंद कर नहीं आ सकते। भी को छोटा बंदे का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो शॉर्ट पहन के आ गए, और जब यहाँ आए तो शॉर्ट अलाउ नहीं थी। तो अब हम वापस जौहर टाउन जाएँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब बाबा कुछ काम करने गए हैं, लेट्स सी क्या होता है। हंगामा किए तुमने आज, कि आपकी वजह से कितना वेट करना पड़ा हमें। एक घंटे के अंदर अंदर काम हो गया और अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। चलो आ जाओ, तो सो रहे हो तो क्या खाओगे? पिज़्ज़ा वीज़ा? तो हम आ गए हैं घर और आके नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज़ पढ़ के मैं नहीं गई थी, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग को जाना था। तो मैंने आके नमाज़ पढ़ी, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद पहले जो डिसाइड था कि हम लोग बाहर जाएंगे खाना खाने, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी टायरिंग हो गया था ये वाला छोटा सा विज़िट। तो फिर हम लोगों ने ये फैसला किया हम घर पर मंगवा लेंगे। तो हमने मंगवाया है घर पर, क्या आइए देखते। एक मंगवाया हमने, यस नाउ एक बिग वन। ओप्स बंद करो, ठंडा हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, जब यहाँ से चाचा आ जाएंगे उसके बाद। तो मुन्नी को खिला रहे हो ना यहाँ से चाचा? आपने पिज़्ज़ा क्यों मंगवाया है बताओ? किसके लिए मंगवाया पिज़्ज़ा है? आपने सबके लिए मंगवाया है? इतना बड़ा दिल आपका हो गया माशाल्लाह। ओए होए, अच्छा अच्छा सिर्फ आपने मंगवाया या हसन ने अब्बास से भी मंगवाया जो वहाँ सो रहा है, उससे भी मंगवाया? ओके वेरी गुड। और फिर पिज़्ज़ा ख़त्म होने के बाद हमने खाए ये आलमंड कुकीज़ जो कि फैसल के बॉस लेकर आए थे। बहुत मज़े की थी, जस्ट लाइक अ बूफक्स। बूफक्स होते थे ना जैसे पुराने ज़माने में जो चाय में डिप करके हमारी बुज़ुर्ग खातून पीती थी, तो ये वो चीज़ है। और इसके ऊपर हाइलाइट्स जो स्वीटनेस और आलमंड्स लगे हुए हैं, काफ़ी मज़े का ये पीनट्स, आलमंड पीनट्स थे।
डिनर इज डन, किचन समझ चुका है और मीठा भी हो गया था जैसे मैं आपको दिखाया था। और अब है लास्ट सेशन डिनर का, वो ये है ग्रीन टी। सो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग फिनिश करती हूँ और आपसे मैं चाहती हूँ टाटा बाय बाय। और साथ साथ मेरे बच्चे भी सो गए हैं, ये देखें ये दोनों सो चुके हैं। हुसैन साहब अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का कल ऑफ है, सिविन दोनों का कल ऑन है क्योंकि आज ऑफ हो गया था। वैसे अगर आप ऑफ नहीं भी होता, आज भी ऑन था और कल भी ऑन है। और भेजना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके एक दिन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो मुझे ज़्यादा ज़ालिम मत समझिएगा, इसलिए मुझे भेजना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे आपको टाटा बाय बाय करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।